हेलो एवरीवन, आज फिर मैं एक कार्ड ले आई है आपके लिए। आज हम करेंगे 11 नंबर का कार्ड। वैसे ही 12 है कार्ड, क्योंकि फर्स्ट कार्ड हमारा ज़ीरो होता है। तो ये कार्ड है जस्टिस का, ठीक है। हाँ, एक अनाउंसमेंट पहले मुझे करनी थी कि मुझे कई लोगों ने बहुत मैसेज किया था कि आप ही कहीं से अरेंज करके दो कार्ड्स का, क्योंकि हमें मालूम नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग कभी की नहीं। तो मैंने कार्ड्स का ना अभी स्टार्ट कर दिया है, और वो कार्ड मैंने जो लिए हैं किसी से, दो चार डीलर से मिलकर मैंने देखा कि जहाँ से आपको सस्ते मिल सके कार्ड, क्योंकि ऑनलाइन भी महंगे मिलते हैं। और मैंने जैसे, ठीक है, तो उस हिसाब से सस्ते में मैंने अरेंज किए हैं कार्ड्स। अगर आप लोगों ने अभी नहीं लिए हैं, कोई लेना चाहता है तो मुझसे भी बात कर सकता है, तो कहीं से भी ले सकते हैं आप। कुछ लोगों को पता नहीं चल रहा था, लेकिन मेरे पास कुछ भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ ये कार्ड्स जो मैं सिखा रही हूँ वही मैंने अरेंज किए हैं, और कोई कार्ड की क्वालिटी मेरे पास नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप करें। और आजकल थोड़ा मेरा बिज़ी शेड्यूल जाता है, तो कई बार मेरे पास कोई कॉल आता है तो मैं ले भी नहीं सकती हूँ, और वापस भी नहीं करती हूँ कॉल, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम थोड़ा ज़्यादा हो गया दिवाली के उससे, तो उसके लिए मैं पहले तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और दूसरी बात, आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको विद इन 24 आवर आपको आंसर मिलेगा, मे बी उसमें ही आपको आधे घंटे एक घंटे में भी आंसर मिल जाए। कमेंट में भी आपको विद इन 24 आवर आंसर मिल जाएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं ये सब तो चेक करती रहती हूँ, क्योंकि कभी मेडिटेशन में होती हूँ या हीलिंग में होती हूँ तो वो कॉल नहीं लेती हूँ मैं, ले भी नहीं सकते, ये आपको मालूम है। तो आपको क्या करना है कि व्हाट्सअप करें मुझे पहले, क्योंकि व्हाट्सअप करेंगे तो मैं आपको, अगर कॉल ज़रूरी होगा तो मैं मैसेज आपको टाइम दे दूँगी कि इस टाइम पे आप मेरे कॉल पे बात करिए, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं आप, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि इस, मुझे आपसे इस बारे में काम है, या जो भी आपका क्वेश्चन है वो भी आप उसमें डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगी विद इन 24 आवर्स। ओके, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना जस्टिस का कार्ड, ठीक है। देखिए, जस्टिस का कार्ड, जैसे कि ये आपको पहली बात, जैसे ही आपकी ये रीडिंग में आ जाता है तो आपको क्या देखना है कि ये कार्ड जो है, देखिए, अगर आपको मेरे कार्ड्स में क्लैरिटी नहीं आ रही हो ना, तो आप अपना कार्ड निकाल के रख सकते हैं साथ में, ठीक है। तो ये कार्ड अगर आता है रीडिंग में, तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझिए कि या तो ये पर्सन किसी जस्टिस वाली जगह पे काम करता है, वकील हो सकता है, जज हो सकता है, या फिर वहाँ कोर्ट पे कोई भी काम कर सकता है। दूसरा कि ये कोर्ट केस से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आया है कोई, जैसे किसी का कोई केस चल रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। अगर वो सब नहीं है तो जो प्रॉब्लम उसकी लाइफ में अभी चल रही है, ठीक है, वो उसके कार्मिक है, ये कार्मिक का भी कार्ड है, ठीक है। तो जो प्रॉब्लम उसकी चल रही है वो कार्मिक है, डेफिनेटली वो कार्मिक है, उसको कार्मिक हीलिंग करनी पड़ेगी या कार्मिक मेडिटेशंस करने पड़ेंगे, फॉरगिवनेस करनी पड़ेगी, वो फिर अलग एक ट्रीटमेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हो सकती हैं इस कार्ड के आने से। अब जब हम इसकी रीडिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए इसके पीछे जो ये जहाँ पे 11 नंबर लिखा है, येलो कलर है, ठीक है। येलो कलर का मतलब क्या है, आपने पहले भी जाना था, येलो कलर का मतलब होता है अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉसिबिलिटी, कि जो काम अगर आपकी नज़र एकदम से इस पे जाती है तो ये समझ लीजिए कि जो रीडिंग आपसे कुछ लेकर आए हैं वो क्वेश्चन, उस काम के होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब इसका जो है, अगर आपका नेगेटिव इफेक्ट आता है ना इस पे, तो नो भी, अभी हम आगे देखते हैं खैर और सब चीज़ें। क्या हुआ, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जो ये पर्दा है, देखिए पर्दा है ये, इसके नीचे ये थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है, थोड़ा सा नीचे झुका हुआ है। पर्दे का क्या मतलब है कि जैसे हम, वैसे कैसा होता है पर्दा, एकदम टाइट होता है, जब हम उस पर्दे को हटाने लगते हैं, कोई राज खोलने वाली बात है कि जब, तो थोड़ा ढीला हो जाता है, जैसे हम थोड़ा सा धागा ढीला करते हैं वो धीरे धीरे ढीला होने लगता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये कोई राज की बात है जो खुलने वाला है आपके सामने, वो बोले एक राज
है, कोई बड़ी सी बात आपके सामने आने वाली है, कोई आपके सामने कुछ एक्सप्लोर होने वाला है, ठीक है, तो वो उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। आपके सामने वो कोई राज छुपा रहा है आपसे और वो खुलने वाला है, ठीक है। या फिर आपका खुद की बात होती है, कई बार हम भूल जाते हैं उस बात को, वो याद आती है, तो कुछ सीक्रेट है एक किस्म से, वो छुपा हुआ है इसके पीछे, वो खुलेगा और वो सब सामने आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके साइड में दो पिलर्स हैं, तो जो ये पिलर हैं दो, एक न्याय को बताता है और एक दया को बताता है, और एक स्टेब ये पिलर जहाँ भी आए समझ लें कि वो पर्सनैलिटी जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। स्टेबल यानी कि जो बात उसने कही वो कर रही गई, अपनी बात पे अडिक है, ठीक है, इस तरह की पर्सनैलिटी वो पर्सन है। अब देखिए इसके हाथ में, एक हाथ में तलवार है, यानी कि एक्शन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं, और या आप उसको ये भी बता सकते हैं कि आप एक्शन लेने लीजिए, बिना एक्शन लिए कुछ नहीं होगा, कि अगर कोई काम है तो लीगल मैटर है अगर, तो उसमें आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपनी पूरी कोशिश डालनी पड़ेगी, स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि कई बार आपके काम इसलिए नहीं बनते क्योंकि कार्मिक आ रहा होता है, और कार्मिक का तो ये कार्ड ही है, उसके लिए कार्मिक हीलिंग के साथ साथ जो भौतिक चीज़ें हैं, अच्छा वकील करना और वो सब की बहुत ज़रूरत है, अगर आपके तलवार पे नज़र जाती है तो, ठीक है। फिर बैलेंस, इसके हाथ में देखिए तराजू भी है, यानी कि बैलेंस का कार्ड है, तो बताना है अगर इस पे जाता है तो बोलना है कि न्याय होगा। अब न्याय होगा का क्या है? मतलब है कि अगर आप गलत हैं तो गलत होगा, और अगर आप सही हैं तो सही रिजल्ट आएगा। अब कोर्ट केस की बात नहीं है, कोई भी चीज़ है, कई बार कई लोग क्या करते हैं कि गलत काम करते हैं और सोचते हैं कि हमारे पक्ष में ही रिजल्ट आए, तो वो नहीं होगा, बैलेंस है, जो न्याय है वही होगा। फिर देखिए इसने ना पहना हुआ है कुछ, और दो ये पट्टियाँ आ रही हैं, ये देखिए एक मिनट, ये जो पट्टी आ रही है ये वाली, ठीक है, इसको बोलते हैं कोब, ठीक है। ये जो पहना हुआ है इसने, ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पावर, कि इसमें बहुत पावर है, क्योंकि ये इस तरह के कपड़े जो राशि मतलब बड़े वो हैं कि ठाट बाट वाले लोग पहनते हैं, तो पावर भी है आपके पास, अपनी पावर को भी यूज़ कीजिए, स्पिरिचुअलिटी को भी यूज़ कीजिए, और जो आपकी एक वो होती है ना एक्स्ट्रा पावर, कभी कभी कुछ कामों के लिए हमें एक्स्ट्रा पावर, हम सही होते हैं फिर भी हमें एक्स्ट्रा पावर, पहुंच जिसे कहते हैं लगाना, पहुंच भी लगाइए, जैसे वकील के साथ, जज के साथ जान पहचान है, किसी के साथ जान पहचान है, वो भी लगाइए, कभी कभी हमें सही होने के बावजूद भी ये सब काम करने पड़ते हैं। फिर देखिए ये जो पिलर है इसका ग्रे कलर है, ग्रे कलर का मतलब क्या है कि आपको इसमें थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसका पैर देखिए, एक पैर बाहर निकला हुआ थोड़ा सा, यानी कि ये रेडी है अपना काम करने के लिए, आपको जहाँ से जो भी सलाह मिलती होगी वो करने के लिए वो रेडी हो जाता है तुरंत। आज इसने ये बोला ये कर लिया, उसने बोला ये कर लिया, कोई भी जैसे कहते हैं कसर ना छोड़ना, उस तरह की पर्सनैलिटी है, तो किसी कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और इसी बात पर अडिक रहिए, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं या आप जब हीलिंग करते हैं तो क्या होता है कि भगवान रास्ते दिखाता है, या आपसे जो पर्सन ये करने आया है कार्ड रीड करवाने हैं, इट मीन्स वो पर्सन स्पिरिचुअलिटी का सहारा तो ले ही रहा होगा, क्योंकि जो इन चीज़ों में होता है वो साथ में हीलिंग भी करवा ही लेते हैं। तो हीलिंग से का मतलब ये नहीं होता कि एकदम से जादू हो जाता है, भगवान रास्ता दिखाता है, तो हीलिंग लेने के बाद आपके सामने जो भी रास्ता आए उसे अपनाना चाहिए, थोड़ा सा एंजल गाइडेंस लेने के बाद, क्योंकि भगवान रास्ते ही खोलता है ना। तो अब रेड कॉब, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ कि रेकी से फ़ायदा कैसे होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम रेकी हीलिंग किसी से करा रहे हैं और हमें दूसरा डॉक्टर मिल ले लेते हैं, तो वो जो दूसरा डॉक्टर हमने लिया है वो फिर ये कहना होता है कई लोगों के, वो तो डॉक्टर बदल लिया हमने इसलिए ऐसा हुआ, तो वो भी रेकी की वजह से ही हुआ, तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो यही चीज़ है कि इनको ये बताना है कि जब हम हीलिंग करने लगते हैं तो
हमें रास्ते दिखते हैं। तो अब वो छोटा वकील आपके सामने आ रहा है या बड़ा वकील आ रहा है या कुछ भी चीज़ आ रही है, कोई भी सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है तो उसे अपनाएं। तो ये छोटा पैर बाहर निकलने का यही मतलब है कि हर चीज़ को अडॉप्ट करो, तुरंत एक्शन लो उसके लिए। रेड कॉप, जो रेड कलर के कपड़े पहने हुए इसने, इसका मतलब है कि कोई भी काम में हेजिटेट नहीं होना है, हर काम करो। क्योंकि कोई इंसान ऐसे कंडीशन में फंसा हुआ है तो वो हेजिटेशन पे नहीं जाएगा। कई लोगों को होता है थोड़ा सा कि ये काम नहीं करना चाहिए, तो हेजिटेट होने वाला पर्सन भी नहीं है ये। जहाँ पर आपने थोड़ी सी शर्म हेजिटेशन की, वहाँ आप हार जाएंगे। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, अब ये कार्ड का ओवरऑल देखो ना, तो ये भी आ सकता है कि आपके ऊपर कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आने वाली है, कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए रेडी हो जाओ। अब हम देख लेते हैं इसमें कुछ और रह गया हो हमारा तो। हाँ, इनका ताज रह गया। इनका ताज देखिए कैसा है। इनका ताज में एक जो होता है ना, दो वकील खड़े हैं और उस टाइप के, मतलब जैसे तीन वो हैं। तो ये राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन और मिड ब्रेन को एक्टिव करता है, यानी कि तर्क वितर्क की शक्ति बहुत है इनमें। तो अब हमें इसमें क्या है कि ये कार्ड आता है तो आपको क्या सलाह देनी है कि आपके कार्मिक है पहली बात, और तराजू पे आपका नज़र जाता है तो अगर आप सही हैं तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। और न्याय जाएगा, इसलिए अपने आप अंतरात्मा की बात सुनो कि आप सही हो, गलत तो नहीं कर रहे कुछ इस टाइप से। और एक्शन लेने के लिए रेडी रहें, जो भी आपके सामने आता है वही करें, और कोई भी राज खुल सकता है आपके सामने। और नेगेटिव इफेक्ट में आता है, अपोजिट में आता है, तो आपको ये बताना है कि कोई शर्मनाक घटना है या कोई गलत काम करके कोई पछता रहा है। थैंक यू एवरीवन, ये कार्ड का मीनिंग है इस। अब हम नेक्स्ट कार्ड कब मिलेंगे। थैंक यू।